मालवा स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम घड़ी प्रतिबिंब देखने वाले घड़ी प्रतिबिंब देखने वाले पिछली क्लास में हमने घड़ी के कॉन्सेप्ट को सीखा था, जिससे हम कोण से समय निकाल रहे थे, समय से कोण निकाल रहे थे। आज हम घड़ी का प्रतिबिंब देखेंगे। आज घड़ी का प्रतिबिंब, तो घड़ी के प्रतिबिंब दो प्रकार के बनते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के बनते हैं? दो प्रकार के। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के कौन कौन से होंगे वो हम देखने लग रहे होंगे। आज आज की क्लास में आपको ये घड़ी चैप्टर कंप्लीट करवा दिया जाएगा। एक होता है दर्पण प्रतिबिंब। क्या होता है? दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब। दूसरा होता है जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। और हम यदि मैं बात करता हूँ जल प्रतिबिंब, तो दर्पण प्रतिबिंब की मैं बात करता हूँ, दर्पण प्रतिबिंब हम इस प्रकार से प्रतिबिंब इसका बनाने लग रहे होंगे। और जब जल प्रतिबिंब की बात आ रही होगी तो हम इस प्रकार से जल प्रतिबिंब को हम देख रहे होंगे। तो हम दो प्रकार के प्रतिबिंब को देख रहे हैं, जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब। तो थोड़े से कॉन्सेप्ट पर बात कर ले। यदि कभी भी दर्पण प्रतिबिंब की बात आती है, दर्पण प्रतिबिंब में हम क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे होंगे, तो हमारा क्वेश्चन 1 से 2 सेकंड, 3 से 4 सेकंड के अंदर अंदर हमारा आंसर निकलने लग रहा होगा। तो और यदि दर्पण जल प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट देखें हम कि जिससे 4 से 5 सेकंड में हम आंसर लाने लग रहे होंगे। इन दोनों क्वेश्चनों से लेकर के यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आप 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर लाने लग रहे होंगे। तो हम देखते हैं दर्पण प्रतिबिंब की। तो हम डायरेक्टली हम ऐसे ना देख करके क्या देखेंगे, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। अभी डिटेल में हम बात कर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि डिटेल में जाने के बाद भी हम कॉन्सेप्ट यही अप्लाई करेंगे और जो कॉन्सेप्ट हम बताएंगे उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा होगा। इस वजह से हम डायरेक्टली ही क्या करते हैं, हम डायरेक्टली फिक्स वैल्यू को यहाँ पर अप्लाई करके हम डायरेक्ट आंसर निकालने लग रहे होंगे। देखते हैं फिर आंसर किस प्रकार से हम क्विकली निकाल पाएंगे। तो यदि मैं बात करता हूँ हमारे पास समय की, मैं बात करता हूँ क्या समय की मैं बात करता हूँ, तो समय हमारे पास एक तो 12 घंटे होते हैं, और जब मैं मिनट की बात करने लग रहा हूँ तो हम मिनट में भी कितने बात कर रहे होंगे, 60 की। कितनी बात कर रहे हैं? 60 मिनट की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन हमारी घड़ी में तो ओनली ओन कितने होते हैं, 12 आवर्स होते हैं। तो दोस्तों मैं इस 12 आवर्स को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि 11 आवर्स और 60 मिनट। तो आप देखने लग रहे होंगे कि 60 मिनट भी अपने आप में क्या है, एक घंटा है, एक आवर्स है। तो जब 11 आवर्स में ही एक आवर्स जुड़ेगा तो कितना होने लग रहा होगा, 12 आवर्स हो रहे होंगे। तो यदि हम बात कर रहे हैं जब हमारा कॉन्सेप्ट बस यही है, तो 11 आवर्स और 60 मिनट, 11 आवर्स और 60 मिनट। तो हम जब कभी भी दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहे होंगे तो हम 11 आवर्स और 60 का क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे होंगे। लेकिन जब कभी भी कोई सी भी टाइमिंग हमें निकालना हो तो हमारी जो घड़ी होती है उसमें 12 आवर्स से ज़्यादा नहीं होते हैं, जो 12 घंटे से ज़्यादा टाइमिंग हमसे पूछी नहीं जाती है। हमारे मन से हम 16 आवर्स की घड़ी बना ले, 20 आवर्स की घड़ी बना ले, वो बात की बात है। लेकिन हम ऐसे क्वेश्चन अभी तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर आगे जब कभी भी अगर नेक्स्ट क्लासे होंगी और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने लग रहे होंगे तो हम उस प्रकार की 16 वर्ष की घड़ी को भी देख रहे होंगे। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 12 वर्ष की घड़ी से, इसलिए हम 12 वर्ष को ही लेकर के चल रहे हैं। तो 12 वर्ष को मैंने 11 और 60 में कन्वर्ट कर लिया है। तो अब हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि 11 और 60। आगे देखते हैं जल प्रतिबिंब की, 11 60 को क्या करने वाले हम देखते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखना। अब यहाँ पर कितने आवर्स जल प्रतिबिंब में हम सिर्फ क्या लेंगे, 12 आवर्स लेंगे, इसको 11 में नहीं बांटेंगे हम, क्योंकि जल प्रतिबिंब है। इस वजह से 12 आवर्स लेंगे और 60 मिनट लेंगे। एक ऐसी फिक्स वैल्यू होगी, एक ऐसी फिक्स वैल्यू होगी, वो क्या होगी, 7 और 30 मिनट। ये 7 आवर्स है और ये 30 मिनट है, ये हमारी वैल्यू है। हमारा जो आंसर निकलने लग रहा होगा वो कहां से निकलेगा, 7 आवर्स और 30 मिनट से निकलेगा, 7 आवर्स और 30 मिनट से निकलने लग रहा होगा। तो जब कभी भी हम जल प्रतिबिंब की बात करेंगे, तो जो भी टाइमिंग आपको देके रखा होगा उसने, उस टाइमिंग को
आप 7 और 30 में ऐड करना है, हावर्स के साथ हावर्स ऐड करना है, घंटे के साथ घंटा ऐड करना है और मिनट के साथ मिनट ऐड करना है। यानी कि हावर्स के साथ हावर्स को लेंगे और मिनट के साथ मिनट को लेंगे, तो जो भी आपको टाइमिंग दी जाएगी वो हम प्लस कर देंगे 7 और 30 में। मिनट के साथ मिनट प्लस करेंगे, आवर्स के साथ आवर्स प्लस करेंगे, तो 7 घंटे 30 मिनट इसमें प्लस करने लग रहे होंगे किसको, जो आपको क्वेश्चन में टाइमिंग दी जाएगी। वो प्लस करने के बाद यदि वैल्यू 12 घंटे से ज्यादा निकलने लग रही होगी, 12 घंटे से कम है तो हम डायरेक्टली 12 घंटे में से माइनस कर देंगे, और मिनट की वैल्यू जब वेट करने लग रहे होंगे तो 60 मिनट से यदि कम वैल्यू आती है तो 60 से माइनस कर देंगे। लेकिन जब प्लस करने के बाद हावर्स वाली वैल्यू भी 12 से अधिक निकल रही है, अगर 12 से कम है तो 12 से माइनस कर देंगे, और 60 से कम है मिनट प्लस करने के बाद तो 60 से माइनस कर देंगे। लेकिन जब प्लस करने के बाद वैल्यू 12 से अगर अधिक निकलने लग रही होगी, जब प्लस करने के बाद मिनट की वैल्यू 60 से अधिक निकल रही होगी, तो फिर हम करने वाले क्या है, तो हम करने वाले ये है कि 12 के बाद क्या हमारे 24 को लेते हैं, किसको लेते हैं दोस्तों, 24 को। तो हम फिर 24 से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, फिर 60 की जगह क्या करेंगे, 120 से माइनस करेंगे। यानी कि हम बोल सकते हैं कि यदि कोई वैल्यू प्लस करने के बाद में 60 से कम है तो 60 से माइनस करेंगे, 12 से कम है तो 12 से माइनस करेंगे। लेकिन जब प्लस करने के बाद वैल्यू 12 से अधिक निकलने लग रही होगी तो हम 24 घंटे में से माइनस करेंगे, जब मिनट की वैल्यू 60 से अधिक निकलने लग रही होगी तो हम 120 से माइनस करेंगे। जो हमारा एक्चुअल टाइम दिया जाएगा आपको वो प्लस करना है 7:30 में। अब प्लस करने के बाद वैल्यू को डिफाइन करेंगे कि 12 से कम है तो 12 से माइनस करेंगे, 60 से कम है तो 60 से माइनस करने लग रहे होंगे। लेकिन जब 12 से अधिक निकली वैल्यू तो 24 से माइनस करेंगे, जब 60 से अधिक निकली वैल्यू तो 120 से माइनस कर रहे होंगे हम। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब दर्पण प्रतिबिंब पे आते हैं। एक्चुअल वैल्यू आपको दी गई होगी, यानी एक्चुअल टाइम आपको दिया जा रहा होगा, क्वेश्चन में एक्चुअल टाइम दिया जा रहा होगा। यदि वो टाइम आप दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहा हूं, दर्पण प्रतिबिंब की मैं बात कर रहा हूं, अगर एक्चुअल टाइम आपको दिया जा रहा है वो टाइम यदि 1160 से माइनस करने लग रहे होंगे, तो जो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आपको मिल रही होगी, तो वही आपका क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब का आंसर हो रहा होगा। जिस प्रकार से मैं मेरे द्वारा एक क्वेश्चन लेता हूँ, फिर हम स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा आपका, फिर हम उससे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। जैसे कि मैं एक एक्चुअल टाइम ले रहा हूँ, जैसे कि आपके पेपर में दिया गया है, बताइए कि 5:15 हो रहे हैं, बताइए कि 5:15 हो रहे हैं। तो दर्पण प्रतिबिंब में कितना टाइम दिखेगा इसका, तो मैं करूंगा क्या, 5 hours और 15 मिनट लिखे। तो मैंने अभी ये बोला इस टाइमिंग को आपको 11 से माइनस करना है, यानी कि हावर्स वाली वैल्यू हावर्स से माइनस करना है, मिनट वाली वैल्यू मिनट से माइनस करना है। तो 11 से जब 5 माइनस हो रहे होंगे तो कितना बचा होगा, 6 बचा होगा। जब 60 से 15 माइनस हो रहा होगा तो कितना बचा होगा, 45। तो आप देख सकते हो कि आपको दर्पण प्रतिबिंब में क्या दिख रहा होगा, 6:45, यानी कि 6:45 दिख रहे होंगे। कितने दिख रहे होंगे दोस्तों, 6:45 आपको दिख रहे होंगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेता हूं मैं, आपको दिख रहा होगा यदि कोई टाइम आपको दिया गया है 4:50 दिए, 4:50 दिए, ये आवर्स वाली वैल्यू, ये मिनट वाली वैल्यू, आपको मिनट वाली वैल्यू से ही माइनस करना है, मिनट वाली आवर्स वाली वैल्यू को ही माइनस करना है आवर्स वाली से। तो 11 आवर्स में से 4 बचे, तो बचे कितने, 11 में से 4 गए 7 बचे, और 60 में से 50 गए तो 10। तो आपको जो टाइम रहेगा 7:10 दिख रहा होगा जब दर्पण प्रतिबिंब आप देखने लग रहे होंगे। इसी प्रकार से जल प्रतिबिंब की मैं बात करता हूँ, सपोज मानते हैं कि मुझे एक टाइम दिया है फिक्स टाइम के, बताइए कि आप जब 3:15 हो रहे हैं, 3:15 हो रहे हैं, 3:15 हो रहे हैं, तो बताइए कि जल प्रतिबिंब में टाइमिंग क्या होगी आपकी, जल प्रतिबिंब में आपका क्या टाइम दिखेगा। तो आपको पेपर में तो ये दिया है 3:15 दिया, सबसे पहले ये टाइमिंग को हम प्लस करते हैं किसमें, 7:30 में, किसमें प्लस करते हैं 7:30 में, यानी कि हावर्स हावर्स वाली अलग प्लस करेंगे, 7 में 3 प्लस हुआ कितने हुए 10, 30 में 15 प्लस हुए कितने हुए 45। तो आप देखो यहाँ मिनट आई वैल्यू,
10 और 45 आ गए हमारे, 10 और 45। आप मुझे बताओ कि हावर्स वाली वैल्यू प्लस करने के बाद 12 से छोटी है, इस वजह से 12 से माइनस करेंगे। मिनट वाली वैल्यू क्या 60 से छोटी है, इसलिए 60 से माइनस करेंगे। तो हम जब 12 से माइनस 10 को करेंगे हमारे पास क्या आ रहा होगा 2, जब 60 से माइनस हम 45 करेंगे हमारे पास क्या आ रहा होगा 15। तो 2:15 आपको दिखेंगे जल प्रतिबिंब में, 2:15 आपको दिखेंगे जब आपका टाइम 3:15 हो रहे होंगे तब। शायद मेरे हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक और करते हैं थोड़ा सा, यदि आपको बोला गया है 8:40 बोला गया, क्या बोला गया 8:40, तो जब जल प्रतिबिंब की बात आएगी तो सबसे पहली बात तो जो टाइम आपका रहेगा वो 7:30 में प्लस करना है, यानी कि 7 आवर्स वाली प्लस करना है। 7 और 8 कितने हो गए 15 आवर, और 40 और 30 कितने हो गए 70 मिनट। आप दोस्तों मुझे बताओ कि जो आपको ये प्लस करने के बाद 15 और 70 मिले, क्या 15 जो 12 से अधिक है? बिल्कुल। तो हम किससे माइनस करने लग रहे होंगे 24 से माइनस, तो 24 में से जब 15 माइनस होंगे तो आपके बचेंगे कितने 9, कितने बचेंगे 9। जब 120 में से आप 70 माइनस करने लग रहे हैं क्योंकि 60 से वैल्यू अधिक निकल गया है, तो जो 120 में से 70 माइनस हो रहे होंगे तो 50 मिनट आपके निकल रहे होंगे। तो आपको जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखेगा 9:50 आपको दिख रहे होंगे। तो ये आपको शायद कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं, डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे हम। तो आपका ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, किसी समय पर, अभी हम दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब की बात करेंगे और थोड़े से क्वेश्चन और एक्स्ट्रा में वो भी हम बात कर रहे होंगे। किसी समय पर घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब 3 बजे का समय दर्शाता है, तो आप बताइए कि ये बोला है किस समय पर, किस समय पर। थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इसके पहले हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बाद में करेंगे, क्यों? क्योंकि अभी हम जो वास्तविकता में हमने एक कॉन्सेप्ट समझा है उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे। ये वाला भी वही क्वेश्चन है, इस पे हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद में बात करेंगे। ये देखते हैं पहले, इस क्वेश्चन की बात करते हैं पहले। एक व्यक्ति को आईने में दीवार घड़ी, एक दर्पण में देख रहा है वो दीवार घड़ी को, तो तस्वीर में मिनट की सुई कितने पर है 12 पर, मिनट की सुई कितने पर है 12 पर, और घंटे की सुई यानी कि एच की सुई कितने पर है 9 पर है। तो आप बताइए कि घड़ी में सही समय क्या हो रहा होगा, तो सही, ये भी सही समय हो रहा, मतलब कि ये भी बोल रहा है कि भाई दर्पण प्रतिबिंब में मिनट की सुई 12 पर है और एच की सुई कहाँ पर है 9 पर है, तो बताइए कि सही समय क्या है। तो इस क्वेश्चन पे भी हम बाद में बात करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसके नीचे वाले को। ये देखो, तो देखते हैं इस क्वेश्चन की बात करते हैं। एक घड़ी को आईने के सामने रखने पर लगता है कि 7:12 हुए, लगता है कि कितने हुए 7:12 हुए, घड़ी में सही समय क्या हो रहा होगा, यानी कि मैं आपसे बात करता हूं कि जो समय दिया है, ये जो समय दिया है कब का दिया है, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। मैं दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहा हूँ, किसकी? दर्पण प्रतिबिंब की मैं बात कर रहा हूँ। यदि आपको बोला गया है कि अभी बज कितने रही है, अभी बज रही है 8:00 कितने हो रहा है 50 मिनट हो रहा है, अभी कितने हो रहा है 8:50 हो रहा है, ये एच की वैल्यू है और ये एम की वैल्यू, यानी कि घड़ी में अभी कौन सा समय हो रहा होगा 8:50 हो रहे होंगे। तो आपने ये देखा था कि हम जब कभी भी दर्पण प्रतिबिंब की बात करेंगे तो एच के साथ तो 11 से माइनस करेंगे और एम को किससे माइनस करेंगे 60 से माइनस करेंगे, यानी कि ये दो पोर्शन हमने बना लिए, यानी कि ये आपका टाइम दिया गया था, आपको क्वेश्चन में टाइम दिया गया था, ये बताइए 8:50 हो रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय हो रहा होगा। तो हम जब कभी भी दर्पण प्रतिबिंब की बात करेंगे तो 11 में से एच माइनस करेंगे, 60 में से एम माइनस करेंगे, तो 11 में से 8 माइनस हो रहा होगा तो बचे कितने रहेंगे 3, 60 में से 50 माइनस हो रहे होंगे तो बचे कितने रहेंगे 10। तो आपको अच्छे से पता है कि फिर क्या हो रहा होगा,
3:10 वो क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब का समय बताएगा। कितना समय बताएगा दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब का समय बताने लग रहा होगा। तो आप यदि मैं बात करता हूं आपसे, ये जो कौन सा प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब का समय है, दर्पण प्रतिबिंब का समय है, दर्पण प्रतिबिंब का समय, दर्पण प्रतिबिंब में आपको कौन सा समय दिख रहा होगा, 3:10 दिख रहे होंगे। कितने दिख रहे होंगे दोस्तों, 3:10। यानी कि अगर 8:50 या वास्तविकता में आपका टाइम है तो दर्पण प्रतिबिंब में आपको 3:10 दिख रहे होंगे। वो कैसे निकाले, 11 में से 8 माइनस हुए 3 बचे, 60 में से 50 माइनस हुए 10 बचे, तो दर्पण प्रतिबिंब में हमें 3:10 मिल रहे होंगे। तो अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपसे कि वास्तविकता में आपका ये टाइम हटा दिया गया, आपको बोला गया कि बताइए कि दर्पण प्रतिबिंब में 3 बज के कितने हो रहे हैं, दर्पण प्रतिबिंब में 3 बज के कितने हो रहे हैं, 10 मिनट हो रहे हैं। तो वास्तविक समय आपको निकालना है, तो फिर भी आपको क्या करना है, 11 में से 3 माइनस करोगे तो मिल कितना रहा होगा 8, 60 में से 10 माइनस करोगे तो मिल कितना रहा होगा 50। तो भी आपको कौन से अपनाना है, यही वाला। तो वास्तविक जो समय होगा वो कौन सा समय होगा, 8:50 होने लग रहे होंगे, 8:50 होने लग रहे होंगे। तो फिर देखते हैं, तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो अब एक नंबर क्वेश्चन से चल रहे होंगे, एक नंबर क्वेश्चन से चल रहे होंगे। एक नंबर क्वेश्चन से हम चल रहे होंगे, देखते हैं फिर। अभी मैंने आपको दर्पण प्रतिबिंब बताया, 11 से माइनस करना है हावर्स को, और 60 को, 60 से माइनस करना है मिनट को। जैसे कि किस समय पर, एक ऐसा समय होगा घड़ी का फिक्स वास्तविक समय होगा, उस समय पर प्रतिबिंब में 3 बज रहे हैं। प्रतिबिंब में कितने बज रहे हैं दोस्तों, 3 बज रहे हैं। तो इसमें बोला गया है कि वह कौन सा समय है, ऐसा कौन सा समय है जो दर्पण प्रतिबिंब में यदि मैं देखता हूं तो मुझे कितने देखने को मिल रहे हैं, 3 देखने को मिल रहे हैं। तो आपको डायरेक्टली पता होगा, हम डायरेक्ट किससे माइनस करते हैं, 11 से, एच को 11 से माइनस करते हैं और एम को किससे माइनस करते हैं, 60 से। तो आप मुझे बताओ, यहां पर कोई मिनट तो है नहीं, तो मैं भी यहां क्या रख लूंगा, 0 0। तो जब 11 है और यहां टाइम कितना है, 3, तो 3 में क्या रख लेता हूं, 0 0। तो आप देखो 11 में से 3 का 2 बचे कितने, 8। तो उस समय कितने बज रहे होंगे दोस्तों, सॉरी यहां यहां पर क्या है, यहां पे 11 दिया है, 11 आवर्स और 60 मिनट दिए, 11 आवर्स और 60 मिनट दिए। तो ये एच की वैल्यू है और ये एम की वैल्यू है, और आपको दिया 3 बज रहा है, ये एच की वैल्यू है और ये 0 0 है। तो आप देखने लग रहे होंगे, जब 11 में से 3 माइनस होंगे तो कितने हो रहे होंगे, 8। 60 में से 0 0 माइनस करोगे तो कितने हो रहे होंगे, 60। तो एच ये है और एम ये, आपको जस्ट पता है कि 1 घंटा कब बनता है, 60 मिनट। तो ये 1 घंटा पूरा पूरा बन रहा है, तो हम इसमें इसको प्लस कर देते हैं, तो कितने हो रहे होंगे, बिल्कुल फिक्स कितने बज रहे होंगे, 9 बज रहे होंगे। तो आपका जो क्या हो रहा होगा, समय 9 दिखा रहा होगा, जब प्रतिबिंब में क्या देखेगा, 3 दिखेगा, हमारा वास्तविकता में जो समय होगा 9 बज रहे होंगे उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उस समय का चयन करो भाई, वही वास्तविक समय आपका क्या होगा। यदि दर्पण प्रतिबिंब में 9:30 दिख रहे होंगे आपको, तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या है, 9:30, और वास्तविक समय क्या है, तो वही हम बात कर रहे हैं, 11 से माइनस करेंगे इसको, किससे माइनस करेंगे, 11 से। यहाँ 11 एच की वैल्यू है और एम की वैल्यू कितनी, 60। तो हमने 9 लिखा यहाँ पे, और यहाँ पे कितने लिखे, 30। जब मैं माइनस कर रहा हूँ तो 11 में से 9 गए तो बचे कितने, 2। 60 में से 30 गए तो बचे कितने, 30। तो 2:30 हो रहे होंगे उस टाइम, 2:30 हो रहे होंगे। तो आपका जो वास्तविक क्या होगा, समय 2:30 हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, घड़ी को आईने के सामने रखा गया, एक घड़ी को आईने के सामने रखा गया, तो लगता है कि भाई 7:00 क्या हो रहा है, 12 मिनट हो रहा है, कितने, 7:12। तो वही हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा है, एच वाला 11 और मिनट वाला कौन सा है, 60। तो 7:12 हो रहा है, तो एच के नीचे एच लिखूंगा और मिनट के नीचे मिनट लिखूंगा मैं, तो मैं माइनस करने लग रहा हूँ कौन सा है, दर्पण प्रतिबिंब, क्योंकि आईना क्या होता है, दर्पण होता है। 11 में से 7 गए तो बच्चे कितने, 4, और 60 में से 12 गए तो बच्चे कितने, 48। तो आप देखो कि 4:48 जो दर्पण प्रतिबिंब दिख रहा होगा, 7:12, तो वास्तविक समय आपको क्या दिख रहा होगा, 4:48। तो ये आपका ऑप्शन रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं,
अभी हमने अब अच्छे से जो दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन थे वो अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम जल प्रतिबिंब की बात करते हैं, देखते हैं एक घड़ी में सही समय क्या दिख रहा है, 10:15 दिख रहा है। तो जल प्रतिबिंब में समय क्या होगा, जल प्रतिबिंब में समय बताना है आपको। आप देखो कि हम प्लस किस में करते थे, पहले तो 7:30 में प्लस करते थे, क्या करते थे टाइम, क्या करते थे टाइम। आप मुझे बताओ टाइम आपको दिया कितना है, 10:15, कितने दिए 10:15। यदि मैं इसको प्लस करूंगा, यदि मैं इसको प्लस करूंगा तो कितने हो रहे होंगे, 7 और 10 कितने हो रहे होंगे 17, एच की वैल्यू कितनी हो रही है 17। जब 30 में से 30 को मैं प्लस करूंगा 15 में क्या होगा 45 होने लग रहा होगा, तो मिनट क्या है 45। जब हम प्लस करने के बाद हमें सिर्फ इसमें टाइमिंग को प्लस करना है, 7:30 में हमें टाइमिंग को प्लस करना है। आप देखो हमारे पास 17 और 45 आए, तो आपको मैंने जस्ट बताया था यदि कोई वैल्यू 12 से ऊपर हो तो 24 से माइनस करते हैं, और कोई वैल्यू 60 से ऊपर हो तो 120 से माइनस करते हैं। तो यहाँ 12 से ऊपर वैल्यू निकल के आई है, तो इसको किससे माइनस करेंगे 24 से माइनस करेंगे, किससे माइनस करेंगे 24 से। 24 से जब मैं 17 माइनस करने लग रहा हूँ, 24 से जब मैं 17 माइनस करने लग रहा हूँ तो आपको कितना आ रहा होगा 7 आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा दोस्तों 7 आ रहा होगा। अब मुझे ये बताओ आप 24 से 17 8 आ रहा हो, 4 3 7 ठीक 8 आ रहा हो, 7 आ रहा है। अब आप देखो कि 45 है, ये कितने दोस्तों 45 है। अब जब ये 45 है तो आप मुझे बताओ ये तो 60 से कम ही है, वैसे किससे कम है 60 से, तो मैं इसको किससे माइनस करने लग रहा हूँ 60 से, तो मिनट की वैल्यू कितनी है 60। जब 60 में से मैं 45 माइनस करूंगा, जब 60 से मैं 45 माइनस कर रहा हूँ तो आप मुझे बताओ दोस्तों कि जब 60 से 45 माइनस करने लग रहा हूंगा मैं तो कितना बच रहा होगा 15। तो आपको जो वास्तविक समय दिख रहा होगा, जो वास्तविक समय होगा वो 7:15 होंगे, और जल प्रतिबिंब में क्या टाइम दिख रहा होगा आपको, सॉरी सही समय 10:15 होगा, तो आपको जल प्रतिबिंब में कितना होगा 7:15 आपको दिख रहे होंगे, कितने दिख रहे होंगे 7:15 आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है इस वजह से ये 7:15 ये, ठीक है ना 7:15, तो आपको फोर्थ नंबर का ऑप्शन होने लग रहा होगा। एक बार फिर मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ आपको, वास्तविक जो टाइम रहेगा, वास्तविक जो टाइम रहेगा वो हमें प्लस करना है 7:30 में माइनस करना है, सॉरी प्लस करना है। जब प्लस करने के बाद वास्तविक टाइम को, अगर कोई प्लस करने के बाद वैल्यू 60 से कम है तो 60 से माइनस करेंगे, 12 से कम है तो 12 से माइनस करेंगे, लेकिन जब 12 से अधिक वैल्यू निकल के आ जाती है तो हम 24 से माइनस करने लग रहे होंगे, और जब 60 से वैल्यू ऊपर निकलने लग रही होगी तो हम 120 से माइनस करने लग रहे होंगे। तो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, एक घड़ी में सही समय 10:15 हो रहा है, एक घड़ी में कितना हो रहा है दोस्तों 10:15 हो रहा है, शायद डबल काउंट डबल टाइपिंग हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई घड़ी अपना समय जल प्रतिबिंब में कितना बता रही है 6:55 बता रही है, जल प्रतिबिंब में कितना बता रही है 6:55 बता रही है, तो उसका वास्तविक समय क्या होगा, उसका वास्तविक समय क्या होगा। अब देखो दोस्तों कि हम किस में प्लस करते थे 7:30 में प्लस करते थे, किस में प्लस करते थे 7:30 में प्लस करते थे, क्या करते थे टाइमिंग आपकी 7:30 में प्लस करते थे, तो टाइमिंग क्या है आपकी 6:55, कितनी है दोस्तों 6:55 है, कितनी हो रही होगी 6:55 हो रही होगी। अब आप देखो प्लस करने के बाद में 7 और 6 जब हम प्लस कर रहे होंगे कितना आ रहा होगा 13, 55 और 30 को प्लस कर रहा हूँ तो कितना आ रहा होगा 95, कितना आ रहा होगा दोस्तों 95 आ रहा होगा, सॉरी 85 आ रहा है, कितना आ रहा है दोस्तों 85। तो आपने देखा कि इसको प्लस करने के बाद 13 और इसको प्लस करने के बाद 85 आया, तो जब प्लस करने के बाद फिर हम देखते थे भाई कोई वैल्यू अगर 60 से अधिक निकल रही है तो उसको किससे माइनस करते हैं 24 से माइनस करते हैं, यदि कोई वैल्यू 60 से अधिक निकल रही है तो उसको किससे माइनस करते हैं 120 से माइनस करते हैं। ये मिनट वाली वैल्यू या अवर्थ वाली वैल्यू, जब हम 24 से 13 को माइनस कर रहे होंगे, जब 24 से हम 13 को माइनस कर रहे होंगे तो आप देखो कितने आ रहा होगा 11 आ रहे होंगे, कितने आ रहे होंगे दोस्तों 11 आ रहे होंगे। जब 120 में से आप 85 माइनस कर रहे होंगे तो आपको कितने दिख रहे होंगे 35 आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो वास्तविक जो जो जल प्रतिबिंब क्या है,
तो वास्तविक जो समय आपको क्या मिल रहा होगा, 11:35 आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि जल प्रतिबिंब आपको कितना दिख रहा था, 6:55 दिख रहा था। तो वास्तविक समय क्या हो रहा होगा उस टाइम पे, 6:35 हो रहे होंगे। तो आपका जो आंसर आ रहा, सॉरी 11:35 हो रहे होंगे, तो आपका जो वास्तविक आंसर आ रहा होगा वो क्या होगा, सेकंड नंबर का आपका आंसर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसको भी। एक घड़ी का सही समय क्या बताया, 2:20 बताया। वास्तविकता में जो सही समय वो कितना बताया, 2:20। तो आप बताओ कि जल प्रतिबिंब में क्या समय, तो हमारा कॉन्सेप्ट वही है, किस में प्लस करेंगे दोस्तों, हम प्लस करेंगे टाइम को किस में, 7:30 में प्लस करेंगे। किसको प्लस करेंगे, 2:20 को, मिनट के साथ मिनट प्लस होगा, एच के साथ एच प्लस होगा। जब मैं इसको टाइम में प्लस कर रहा हूँ, 7 और 2 9 हो गए होंगे, और 30 और 20 कितने हो रहे होंगे, 50 हो रहे होंगे। कितने हो रहे होंगे, 50 हो रहे होंगे। तो आप देखो कि ये जो 9 है किससे कम है, 12 से कम है, इसलिए 12 से माइनस करेंगे, और 50 किससे कम है, 60 से ही कम है, इसलिए 60 से माइनस करेंगे। अधिक होते तो 120 से कर लेते, और 9 ये एच अधिक होता तो 24 से कर लेते। जब 12 में से 7 जा रहे होंगे तो बच कितना रहा होगा आपका, 5। जब 60 में से आपका 50 जा रहा होगा तो बच कितना रहा होगा आपका, 10। तो आपने देखा कि जो जल प्रतिबिंब में आपका समय दिखेगा, 5:10 दिख रहे होंगे। कितने दिख रहे होंगे दोस्तों, सॉरी जब 12 में से 9 माइनस कर लोगे तो 3 दिख रहा होगा, तो 3 क्या हो रहे होंगे, 10 हो रहे होंगे। तो 3:10 आपको सेकंड नंबर का आपका आंसर दिख रहा होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, टाइमिंग को हमें किस में प्लस करना है, 7:30 में प्लस करना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। एक घड़ी का सही समय कितना बता रहा है, 9:40 बता रहा है। ये कितना बता रहा है, 9:40। तो जल प्रतिबिंब क्या होगा, तो हमें फिर वही क्या, किस में प्लस करना है, हमें टाइम प्लस करना है 7:30 में। किस में प्लस करना है, 7:30 में प्लस करना है। टाइम कितना है, 9:40, कर देते हैं प्लस। तो 7 में 9 प्लस किए कितने होगा, 16। 30 में 40 प्लस किए कितने होगा, 70। लेकिन ये वैल्यू तो भाई 12 से अधिक निकल गई, तो हम 12 की जगह से क्या करेंगे भाई, 24 से कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है। ये 60 से अधिक निकल गई तो हम 60 की जगह क्या रख लेंगे, 120 रख लेंगे, क्या दिक्कत है, कोई समस्या नहीं आने वाली है। जब आप 24 से 16 माइनस करने लग रहे होंगे तो आपको क्या मिल रहा होगा, 120 में से 70 माइनस कर रहे होंगे, आपको क्या मिल रहा होगा, 50। कितने मिल रहे होंगे, 50। तो आप देखो कि जो जल प्रतिबिंब में कौन सा नंबर दिख रहा है, 8:50। तो 8:50 आपका सेकंड नंबर का आपका आंसर हो रहा होगा जी। तो शायद आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस घड़ी का सही समय बताना है आपको, उस घड़ी का सही समय बताना है जो जल प्रतिबिंब में समय क्या दिख रहा है, 3:40 दिख रहा है। जल प्रतिबिंब में 3:40 दिख रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर हम प्लस किस में कर रहे होंगे, टाइमिंग को हम प्लस करने लग रहे होंगे 3:40। तो आप देखो कि 7 में 3 प्लस हुए कितने हुए, 10। 30 में 40 प्लस हुए कितने हुए, 70। अब हम 10 क्या 12 से कम है, इसलिए हम 12 से ही माइनस करने लग रहे होंगे। तो 12 में से जब आप 10 माइनस करोगे कितना आ रहा होगा, 2। लेकिन 70 तो 60 से अधिक है, इसलिए 120 से माइनस कर लेंगे इसको। तो जब 120 से 70 माइनस होने लग रहे होंगे तो वही 50 आ रहा होगा। तो जो हमें वास्तविक समय मिल रहा होगा, 2:50 मिल रहे होंगे, तो 2:50 आपका ये आंसर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप चेंज करते हैं। ये हमारे जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब आपके आई होप समझ में आ रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन पे बात करते हैं थोड़ा सा। ये बोल रहे हैं कि किसी दफ्तर में बैठक होने वाली थी, किसी दफ्तर में बैठक होने वाली थी। बैठक के लिए अध्यक्ष महोदय 11:10 पर पहुंच जाते हैं। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ अध्यक्ष महोदय कब पहुंचते हैं, अध्यक्ष महोदय पहुंचते हैं हमारे 11:10 पर पहुंच जाते हैं। अब आगे बात होती है कि सचिव जो महोदय है, सचिव जो महोदय बैठक के समय से, सचिव महोदय जो है बैठक के समय से कितने मिनट पहले पहुंच गए, 20 मिनट पहले पहुंच गए। तो सचिव जो महोदय हमारे, जो सचिव महोदय हैं, वो बैठक कुछ समय समय कोई था इसका, बैठक का कोई समय था, लेकिन इसके कितने पहले पहुंच गए, 20 मिनट पहले पहुंच गए। कितने मिनट पहले पहुंच गए, 20 मिनट पहले पहुंच गए।
जैसे कि सपोज बैठक हो रही थी, बैठक होने वाली थी 11 बजे, कितनी बजे 11 बजे, तो 20 मिनट पहले पहुंचने का अर्थ है कि भाई 10 मिनट, ये 10 बजे, 10:40 भी पहुंच गया, यानी कि बैठक होने वाली थी 12 बजे और ये भाई 11:40 में पहुंच गया। ये मतलब है कि पहले पहुंचने का अर्थ है, पहले पहुंचने का अर्थ है। देखते हैं भाई आगे क्वेश्चन को फिर। तो हमारे जो है ना अध्यक्ष महोदय तो 11:10 पे पहुंचे, लेकिन हमारे जो सचिव महोदय थे वो 20 मिनट पहले पहुंच गया। कब? जब बैठक स्टार्ट होने वाली थी उसके 20 मिनट पहले पहुंच गया। आगे बात करते हैं, सचिव महोदय से 30 मिनट देर से आए। भाई जो सचिव अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय से 30 मिनट देर से आए, यानी कि यहाँ पे सचिव महोदय है वो पहले पहुंच गए थे और अध्यक्ष महोदय उनसे 30 मिनट बाद में आए, 30 मिनट बाद में आए। यानी कि अगर मैं बात करता हूं तो बैठक कितनी बजे शुरू होने वाली थी ये बताना है आपको। तो यदि अध्यक्ष महोदय 11:10 पे पहुंचे, 11:10 पे पहुंचे और ये अध्यक्ष महोदय तो भाई इनसे भी कितने मिनट लेट आए, 30 मिनट लेट आए। यदि इस 11:10 में से मैं माइनस कर देता हूँ 30 मिनट, 11:10 में से मैं माइनस कर देता हूँ 30 मिनट, यानी कि जो अध्यक्ष महोदय आए होंगे, जो अध्यक्ष महोदय का टाइम है, तो इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ कितने मिनट, 30 मिनट माइनस कर रहा हूँ। तो आप देखो ये 10 मिनट तो गए, इसके 10 मिनट गए तो बचे कितने, 20। तो 11 में से जब 20 जाएंगे तो आपके ये कितने बच रहे होंगे, 10:40। यानी कि हमारे अध्यक्ष महोदय का पहुंचने का समय कितना था, 10:40। कितने का था दोस्तों, 10:40 था। और आप मुझे बताओ दोस्तों फिर ये जो अध्यक्ष महोदय कितने मिनट पहले, सॉरी कितने मिनट बाद पहुंचे थे इनसे, 30 मिनट बाद पहुंचे, ये बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है। तो मैंने 30 मिनट इससे माइनस कर दिया तो 10:40 कितने, 40 मिनट पे हमारे अध्यक्ष महोदय उस समय पहुंच गया मीटिंग में। फिर ये बोल रहा है भाई 20 मिनट पहले पहुंच गया मीटिंग से, कितने मिनट पहले पहुंच गया, 20 मिनट पहले पहुंच गया, कितने, 20 मिनट पहले पहुंच गया। तो 20 मिनट पहले पहुंचने का अर्थ ये है कि अब ये कोई मीटिंग होने वाली थी और ये पहुंच इतनी टाइम पर, यानी कि जो मीटिंग होने वाली थी वो कितने बजे होने वाली थी, मीटिंग होने वाली थी आपकी कितनी बजे होने वाली थी, इसमें मैं 20 प्लस कर रहा हूँ, कितने प्लस कर रहा हूँ दोस्तों, 20।